नमस्कार, मैं प्रिया। आज 3 अक्टूबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निकाली 1760 सरकारी नौकरियां। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1760 अलग अलग पदों के लिए रिक्तियां निकाली है। मिली जानकारी के अनुसार इन पदों के लिए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड 2, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड 2, नॉन टीएसपी क्लर्क ग्रेड 2, टीएसपी जूनियर असिस्टेंट, नॉन टीएसपी और जूनियर असिस्टेंट टीएसपी शामिल है। इन पदों के लिए आवेदन के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट hcrag.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 1 नवंबर तक जारी रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता प्राप्त होना चाहिए। इंटरमीडिएट 2021 की प्री बोर्ड एग्जाम की तारीख हुई जारी। कोविड 19 के माहौल में सभी गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी, वहीं इससे शैक्षणिक कार्यक्रम भी बुरी तरीके से प्रभावित देखने को मिले थे। इससे छात्रों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी बीच बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2021 के प्री बोर्ड परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। बिहार बोर्ड के अनुसार परीक्षा 14 से 21 अक्टूबर तक हर जिले में 2 पाली में ली जाएगी। पहली पाली में ऐसा होगा जब बिहार प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। आपको बता दें, प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र के लिए विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो छात्र प्री बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में पेड और फेक न्यूज पर चुनाव आयोग की सख्त नजर। विधानसभा चुनाव में पेड और फेक न्यूज पर चुनाव आयोग की सख्त निगरानी है। इसके लिए जिलों में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी सेल का गठन किया जा रहा है। उम्मीदवारों को दलों के विज्ञापन प्रसारण से पहले इस कमेटी से प्रमाणीकरण कराना होगा। इसके बाद ही वो विज्ञापन प्रसारित करने के लिए दे सकेंगे। इजाजत लेने के लिए इस प्रावधान के अलावा चुनाव आयोग के पेड न्यूज की निगरानी के लिए भी और पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्विफ्ट 22 कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलने वाले खबरों की पूरी मॉनिटरिंग की जा सके। यदि कमेटी को लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई खबर पेड न्यूज हो सकती है तो यह संबंधित को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा में 10 मिनट पहले पहुंचने का जारी किया गया आदेश। यूपीएससी के सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने में परीक्षार्थियों को 10 मिनट पहले अपने सेंटर पर पहुंचना होगा। लेट आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में नहीं घुसने दिया जाएगा। कोविड 19 को लेकर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। शुक्रवार को इसे लेकर प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल अफसरों के साथ घंटों मंथन कर चुके हैं। पटना के केंद्र पर होने वाली परीक्षाओं को सफल, सुचारू, शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम, एसएसपी से लेकर एसपी, ट्रैफिक, नगर आयुक्त, मजिस्ट्रेट, केंद्र अधीक्षक के साथ बैठक में परीक्षा का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। इसके साथ ही इसका निर्णय भी ले लिया गया है। मोटरयान निरीक्षक भर्ती में ऐच्छिक विषय चयन की आखिरी तारीख बढ़ी। बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या के अधीन परिवहन विभाग बिहार में मोटर या निरीक्षण के पदों पर भर्ती के लिए ऐच्छिक विषय के चयन की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है। आयोग ने अपने नोटिस में कहा था कि जो इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उनके लिए इच्छुक विषय के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8/9/2020 से 17/9/2020 तक शुरू की गई थी, लेकिन कुछ उम्मीदवार निर्धारित समय पर विषय नहीं चुन पाए थे। ऐसे में आयोग ने एक बार फिर से तारीख बढ़ा दी और अब 12 अक्टूबर तक इसे बढ़ा दिया गया है। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,85,000 के पार। देश में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं बिहार में प्रभावितों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 1431 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,85,707 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 52, अरवल में 6, औरंगाबाद में 21, बांका में 49, बेगूसराय में 19, भागलपुर में 37, भोजपुर में 18, बक्सर में 21, दरभंगा में 18, पूर्वी चंपारण में 35, गया में 40, गोपालगंज में 48, जमुई में 59, जहानाबाद में 45, कैमूर में 5, कटिहार में 21, खगड़िया में 5, किशनगंज में 35, लखीसराय में 22, मधेपुरा में 34, मधुबनी में 33, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 58, नालंदा में 46, नवादा में 14, पटना में 236, पूर्णिया में 131, रोहतास में 30, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 24, सारण में 27, शेखपुरा में 23, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 15, सिवान में 44, सुपौल में 35, वैशाली में 24, पश्चिम चंपारण में 51। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,72,364 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 910 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे और तीसरे चरण के लिए 24 जिलों में 46 व्यय प्रेक्षक हुए तैनात। दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए आयोग ने 24 जिलों के व्यय प्रेक्षकों की सूची तैयार कर ली है। सभी 24 जिले में चुनाव खर्च पर नजर रखने और उसका हिसाब किताब निपटाने के लिए कुल 46 व्यय प्रेक्षक तैनात कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने व्यय प्रेक्षकों की सूची तैयार कर ली है, जिलों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। इसके साथ ही इसे संबंधित विधानसभा में चुनाव खर्च पर नजर रखना है और प्रत्याशी और दलों के लिए
हिसाब से उनका मिलान भी करना होगा। खर्च के लिए निर्धारित अधिकतम राशि के संबंध में भी प्रेक्षक पर नजर रख सकेंगे। इनमें प्रेक्षकों की सहायता के लिए व्यय जिलों से अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की जानी है। दलों और प्रत्याशियों के लिए किए गए खर्च का ब्यौरा भी व्यय प्रेक्षकों के सामने रखा जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक है। उन्होंने न्यूज 24 इंडिया टीवी चैनल में मैनेजिंग एडिटर के तौर पर काम किया है। साथ ही उन्हें उनके काम के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से भी 2010 में सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने 9 साल TV9 भारतवर्ष में भी अपना योगदान दिया है। पत्रकारिता की दुनिया में अपना योगदान देने वाले अजीत अंजुम का जन्म 7 अप्रैल 1969 को बेगूसराय जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पूरी की थी। साल 1989 में वो लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बेगूसराय और दरभंगा से की थी। वहीं बैचलर्स डिग्री लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से पूरी की थी। बिहार के 2 IAS अधिकारी समेत कई का हुआ तबादला। बिहार के 2 IAS अधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही यह परियोजना निदेशक ग्रामीण विकास विभाग बाला मरुगन डी को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है। वहीं राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना संजय कुमार सिंह को भी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। इतना ही नहीं, बिहार में ADM रेंज के 10 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। 9 स्पेशल क्लोन ट्रेन के समय सारणी में हुआ परिवर्तन। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। समस्तीपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 9 क्लोन ट्रेनों की समय सारणी को बदल दिया गया है। जिसकी जानकारी देते हुए समस्तीपुर रेल मंडल के सीनियर DCM सरस्वती चंद्र ने बताया है कि ट्रेन के बेहतर परिचालन को लेकर यह बदलाव किया गया है। नए समय सारणी के अनुसार ट्रेन संख्या 04651 जयनगर अमृतसर स्पेशल क्लोन ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन पर सुबह 8:50 और 7 बजे समस्तीपुर जंक्शन पर आएगी। जहां से ट्रेन को 7:25 मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं सहरसा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन नए समय के अनुसार 12:00 में 19:20 पर रवाना होगी, जबकि महलौर में यह ट्रेन 19:30 की जगह 19:44 पर जाएगी। जिन ट्रेनों का समय बदला है उसमें अहमदाबाद दरभंगा अब समस्तीपुर जंक्शन पर 8:30 पहुंचेगी। दरभंगा अहमदाबाद मुजफ्फरपुर जंक्शन 5:20 पर पहुंचेगी। 4 अक्टूबर को संपन्न होगी UPSC PT की परीक्षा। 4 अक्टूबर को 97 केंद्रों पर UPSC PT परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने UPSC की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 को सफल, सुचारू, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालन हेतु DM, SSP, SP, ट्रैफिक नगर आयुक्त सहित सभी मजिस्ट्रेट एवं केंद्र अधीक्षक के साथ SKMA बैठक की थी। बैठक में प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षक की परीक्षा संचालन की मार्गदर्शिका से अवगत कराया गया। इसके तहत सिटिंग प्लान, विधि व्यवस्था, COVID-19 प्रोटोकॉल का स्थापन, पेयजल पंखा की समुचित व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था आदि के बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। UPSC के सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर को 97 उपकेंद्रों पर किया जाएगा। मशहूर शायर मुन्नवर राणा की बेटी फौजिया राणा ने थामा कांग्रेस का हाथ। मशहूर शायर मुन्नवर राणा की बेटी फौजिया राणा ने शुक्रवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित अन्य नेताओं की उपस्थिति में उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया है। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद फौजिया राणा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि आज के समय में सभी राजनीतिक दल छल कपट करते रहे हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी सबसे बेहतर लगी है क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए आगे बढ़कर उनके लिए खड़ी होती है। यह राय बरेली से आती है, लिहाजा कांग्रेस से पहले भी उनका जुड़ाव रहा है। NDA में अलग होने की राह पर लोजपा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, मगर NDA में लोजपा का बगावती तेवर लगातार नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA में सीट शेयरिंग का मुद्दा भी तक सुलझ नहीं पाया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी मांगों पर अड़े पार्टी के अन्य नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना को उन्होंने फेल करार कर दिया है, जिसके बाद सीट बंटवारे को लेकर साथ ही NDA में एकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कृषि बिल पर जारी तनातनी को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार की राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीते दिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में पारित किए गए किसान बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है, जिसके तहत उन्होंने किसान बिल को किसानों का हितैषी बताया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह तीनों बिल किसानों को सशक्त बनाने में मदद करेंगे। यह बिल किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, न कि उनके हित को नुकसान पहुंचाने के लिए। रविशंकर प्रसाद ने साथ ही बिल का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने अपने बयान में कहा कि सरकार पारित कृषि बिल का झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कांग्रेस का विरोध प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए है। उन्होंने दावा किया है कि नया कृषि बिल देश के 86% छोटे और मझोले किसान के हित में है।
लोजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी आज। लोजपा की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम 5 बजे दिल्ली में होगी। इस बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में बिहार लोजपा के प्रधान सचिव शाहनवाज कैफी और प्रदेश के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी को भी बुलाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह लोजपा की आखिरी बैठक है। इस बैठक में सभी 143 प्रत्याशियों के नाम की चर्चा की जाएगी। लोजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। वहां पहले से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस बैठक में बिहार में एनडीए की मौजूदा स्थिति, भाजपा की तरफ से लोजपा को 27 विधानसभा और विधान परिषद की सीटों का ऑफर दिया गया है। चंपारण से कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने किया चुनावी शंखनाद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को चंपारण की धरती से चुनावी शंखनाद कर दिया है। सोनिया ने कहा है कि जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ लोग भय, भ्रम और भावना का व्यापार कर सरकार चला रहे हैं। लोग सावधान रहे और सही फैसला ले। इसके साथ ही कांग्रेस की हर नीति में जनता की भागीदारी होती है, इस बात की जानकारी भी उन्होंने दी। आज चंद लोग के लाभ के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। कांग्रेस ने वंचित समाज, दलितों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को मजबूत बनाने में जितने भी कानून बनाए हैं उन्हें कमजोर किया जा रहा है। बिहार में ओबीसी अपना गठबंधन का करेगी विस्तार। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी ओबीसी गठबंधन का दायरा बढ़ाने वाली। ओबीसी का गठबंधन में उनकी पार्टी एआईएमआईएम के साथ समाजवादी जनता दल शामिल है। समाजवादी जनता दल के नेता देवेंद्र प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में भले ही हाशिए पर चल रहे हो, मगर ओबीसी उनके साथ बिहार में एंट्री ले चुके हैं और अपने गठबंधन को बढ़ाने की तैयारी कर रहे। ओबीसी ने कहा है कि वो बिहार में महागठबंधन और एनडीए में सामने अपना गठबंधन खड़ा करने के लिए प्रयासरत है। छोटे छोटे दलों को जोड़कर बिहार में एक नया विकल्प देने कि उनकी पूरी मंशा हो चुकी है। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में अपना वजूद बढ़ाना चाहते हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने लालू प्रसाद यादव के बाहर जाने की जताई इच्छा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर अभी तक महागठबंधन का सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है। कांग्रेस और राजद के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। वहीं महागठबंधन में मचे घमासान के बीच कांग्रेस नेताओं ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की याद सताने लगी है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव होते तो गठबंधन में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव सलाखों के पीछे नहीं होते तो कब का गठबंधन के सारे कार्य संपन्न हो जाते। हालांकि वो तेजस्वी यादव को बतौर नेता प्रतिपक्ष काफी बेहतर विकल्प मानते हैं। महागठबंधन में वामदलों की सीटों के नाम पर बनी सहमति। महागठबंधन का सीट शेयरिंग के मामले को सुलझा लिया गया है। महागठबंधन में सीटों की संख्या पर सहमति पर चर्चा शुरू हो गई है। वामदलों का मामला सबसे पहले निपट गया है, लेकिन कांग्रेस से बात होने के बाद इस पर अंतिम कोई फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस अगर वामदलों के लिए तय सीटों में किसी भी तरीके की अड़चन नहीं डालती है तो कुछ अंतर हो सकता है। फिर उधर सीपीआई और सीपीएम में एक एक सीटों की जिद अभी भी जारी है, लेकिन अब इस मामले पर कांग्रेस की सीटों के नाम तय होने के बाद विचार होगा। वामदलों में माले ने जिन 19 सीटों पर लगभग सहमति बनाई है वो सीट लगभग 10 जिलों में है। माले के सबसे ज्यादा पटना और भोजपुर में 3-3 सीटें मिली है। जदयू ने बदल दिया अपना चुनावी नारा। जदयू ने अपने चुनावी नारे को बदल दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी कार्यालय में होर्डिंग लगा दिए गए हैं जिसको पूरी तरह से नीतीश कुमार पर फोकस किया गया है। पार्टी की तरफ से होर्डिंग लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है तरक्की दिखती है, यानी जदयू पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर फोकस कर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। फिर से विधानसभा चुनाव में बिहार में बातचीत की शैली को लेकर स्लोगन में शामिल किया गया है। चुनावी सभाओं में भी इस स्लोगन पर आधारित ऑडियो वीडियो का खूब इस्तेमाल होने की संभावना जताई गई है। नीतीश कुमार पर केंद्रित जदयू की एक और होर्डिंग लोकसभा चुनाव के समय भी शहर के विभिन्न हिस्सों में लगाई गई थी। जीतन राम मांझी 4 अक्टूबर को करेंगे हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 अक्टूबर को पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करवाने वाले हैं, जिसमें पार्टी के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। पार्टी की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 4 अक्टूबर को पार्टी की पार्लियामेंट्री बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे। बैठक के तुरंत बाद 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चुनाव के मतदान के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें एनडीए में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हो सका है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने लालटेन को जल्द बुझने की कही बात। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत उन्होंने बयानबाजी भी करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया तेज होती जा रही है वैसे वैसे लालटेन का तेल खत्म हो जा रहा है और महागठबंधन के सहयोगी दलों में एक एक करके राजद को छोड़ दिया है और चले गए हैं। जो बचे हुए हैं उनका भी सम्मान राजद नहीं कर रही है। अहंकार से भरी हुई पार्टी में कृषि मंत्री ने कहा कि महागठबंधन के राजद के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। उस जल में जनता का विश्वास तो पहले ही उठ चुका है। विपक्षी राजद के अहंकार में भी सहयोगी दल अलग अलग हो रहे हैं।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी बहन ने फैंस को दी बधाई। सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के कई महीनों का समय बीत चुका है, हालांकि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़ी सच्चाई खुलकर सामने नहीं आई है। हालांकि श्वेता सिंह की लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने भाई को इंसाफ दिलाने की मांग करती रही है, वहीं लोगों से भी कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की गुजारिश करती देखी गई है। श्वेता सिंह ने सभी लोगों को बधाई भी दी है जो उनके साथ डिजिटल कैंपेन में जुड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह की 13वें ट्विटर पेज का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने ट्विटर थोड़ी देर के लिए क्रैश हो गया इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि ट्विटर थोड़ी देर के लिए क्रैश हो गया था, यह सच्चाई और न्याय के लिए आवाज़ उठाने वाली एकता की आवाज़ है। इसके साथ ही उन्होंने, यह सच्ची अर्थ में एक क्रांति है, अच्छा काम योद्धाओं, इसे बनाए रखो, ताकत चमक रही है। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आसानी से बदल सकते हैं भाषा। स्मार्टफोन के जमाने में इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के फोन का हिस्सा बन गया है, जिसके बाद कई बार लोगों को भाषा चुनने में परेशानी होती है। अंग्रेजी भाषा में आने की वजह से ऐसे लोगों को फेसबुक पर इंतजाम का इस्तेमाल करना कठिन लगता है। इसलिए हम आपको आज ऐसे विकल्प के बारे में बताएंगे जिससे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम की भाषा आसानी से बदल सकते हैं, जिसके तहत आपको भाषा बदलने के लिए सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करें। अब टॉप राइट में मौजूद 3 लाइन वाली बटन पर क्लिक करें, यहाँ सेटिंग्स और प्राइवेसी पर जाएं, यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन पर प्रेस करें, अपनी फेसबुक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल पर जाने के बाद बॉटम राइट से अपने प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें। अब टॉप राइट पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम सेटिंग पर जाएं, यहाँ पर आपको अकाउंट पर जाना होगा, जिसके बाद अकाउंट से लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां से आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। लगातार तीसरा मैच हारी चेन्नई सुपर किंग्स। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण में बीते दिन चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में शानदार मैच देखने को मिला। सीजन के 14वें मैच में सनराइजर हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रनों से हरा दिया है। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 164 रनों का लक्ष्य दिया, जवाब में चेन्नई की टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। चेन्नई ने 5 विकेट पर 157 रन बनाए। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जडेजा ने 50 रनों की पारी खेली, धोनी ने नाबाद 47 रनों की पारी खेली, लेकिन ये टीम की जीत के लिए नाकाफी थी। दूसरी तरफ सनराइजर हैदराबाद के लिए प्रियम गर्ग ने नाबाद 51 रन बनाए। ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा ने भी 31 रनों की शानदार पारी खेली। आपको बता दें सनराइजर हैदराबाद के ये टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने हार की हैट्रिक लगा दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उजाला चौधरी, सोनू राजवंशी, मिथुन सिंह, शाहनवाज अहमद, सुबोध कुमार, अरविंद प्रसाद, नीतीश कुमार, ओमकार सिंह, पवन एंटरटेनमेंट, चंदन कुमार, हेमंत राज, शंकर यादव, जलंधर शेखर, जयशंकर कुमार, रवि, रंजन कुमार, नीरज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भाजपा, जदयू और लोजपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान सुलझाने में एनडीए गठबंधन सफल हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।